डे न्यू ब्लॉग, और आज मेरे पास एक विशेष चुनौती। न लोगों को हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इसको हैंडल करने के लिए चाहिए विशेष तरह का ऊर्जा और पावर और ट्रेनिंग। भाई ये 8 साल का ट्रेनिंग में भी आप नहीं कर सकते हैं इनको हैंडल। ये बहुत ही टाइम बॉम्ब है। जब भी ये चिल्लाती है तो इनका मुंह में ये औजार दे दिया जाता है कुछ, जो कुछ समय के लिए इनको शांत रखता है। उससे ज़्यादा ये शांत नहीं हो सकती है। उसके बाद तो ये इतना चिल्लाती है कि बिना उनका मम्मी का फिर बात सुनने वाली है नहीं है। अभी साइकिल मत चलाइए यार। तो भाई बात है कि फैमिली को लेके आ गए हैं झांसूगढ़ा, इसलिए कल जो है वो टाइम मिला नहीं ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि लोगों को लाने पूरा व्यवस्था करने में हालत टाइट हो गई। ऊपर से छोटा बच्चा को ट्रेन मिला ना, बहुत जिम्मेदारी है, बहुत परेशानी है। तब भी ज़्यादा हल्ला किए नहीं है, लेकिन अभी तो इतना हल्ला कर के बोलिए मत। वहाँ तो बहुत सारा आदमी तो सब संभाल लेता था, लेकिन यहाँ 12 बजा दिए सबका, 12 बजा दिए सबका ना बेटा। तो भाई घर का बहुत साफ सफाई हो रहा था और नाश्ता बनाने को वाइफ को टाइम नहीं है, तो आज का भाई डोसे से कम चलाना पड़ेगा और डोसा ही खाना पड़ेगा। तो डोसा रेडी हो रहा है। अभी टीओ लग गया है आपका 13:45 का दूसरा से FPL। तो भाई फ़ायदा ये है अभी फैमिली लेने के बाद कि अपना घूमते रहिए, टीओ मिल रहा, खाना पीना सब रेडी हो रहा है। और चलिए आप मिलते हैं वहीं पर। भाई 6 नंबर में पायलट जाना है, पायलट जाना है, पीछे ब्रेक में बैठ के जाना है। उधर से गाड़ी है दूतरा से, वहाँ से फिर गाड़ी चार्ज लेना है। चलिए देखते हैं क्या काम होता है। तो भाई चार्ज मिल गया है गाड़ी, और गाड़ी निकलेगी। एक तो मेन लाइन से छोड़ा है, उसके बाद अपने नंबर है, और वही सेम कोयला खदान जाना है और फिर वहाँ से कोयला लेके आ रहा है। चलिए देखते हैं आज कितना टाइम लगता है। अब तो फैमिली भी आ गया, फैमिली नहीं रहता तो लगता था कि चलो आराम से रहो, लेकिन फैमिली आ गया तो लगता है कि जल्दी से जल्दी गाड़ी मिले और फौरन रिटर्न। चलिए भाई मिलते हैं वहीं पर। और रोड में भी मिल सकते हैं यार, रोड में रखे यार, देखिए कितने देर रखता है। मूँछ में ना यार दिन ब दिन मतलब कमाल होते जा रहा है। तो भाई स्टेशन का नाम है केचू बहाल, और केचू बहाल में काम रहता है आपका जो ब्रेक वैन है इसको काटना और लगाना। तो ये काइन कट के लग गया है, इधर उठा लिया ब्रेक वैन को, ब्रेक वैन को उठा के अपने गाड़ी उस पर लगाना, इस पर लगाएंगे उसके बाद पड़ेंगे चाय पियेंगे उसके बाद जाएंगे, यहीं चाय पीने का अच्छा मौका मिलता है। चलिए बात किया जाए तो पहुंच गए हैं अभी एक स्टेशन बस जस्ट और बचाया जाने के लिए, बट अभी शायद थोड़ा रोकेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका एमटी गाड़ी बहुत ज़्यादा चला लिया है, तो मेरा भी BOPR एमटी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है अगर थोड़ा सा लेट लगेगा अभी तो अच्छा है, क्योंकि लेट लगेगा तो फ़ायदा ये होगा कि रात में वहाँ सोने मिल जाएगा और फिर मॉर्निंग में गाड़ी मिलेगा। तो आपका भाई का गाड़ी खड़ा है, रोशनी इतना ज़्यादा आ रहा है कि आपको इंजन दिखता नहीं होगा। तो भाई हम छुट्टी में थे 3 दिन के लिए। छुट्टी की बात करें तो कितना छुट्टी मिलता है हम लोग को, तो भाई छुट्टी जो मिलता है टोटल मिला के 40 छुट्टी मिलता है, मैंने 10 कैजुअल लीप और 30 लीव एवरेज पे LAP मिलता है। तो इन 40 छुट्टी में सबको मैनेज करते हैं हम लोग, और सिक वगैरह अगर तबीयत वबीयत ख़राब हो रहा है तो सिक लीव भी मिलता है। सिक लीव को बाद में कम्यूटेटिव लीव में ग्रांट कर दिया जाता है ऑफिशियल्स के द्वारा। तो इसी तरह का छुट्टी का व्यवस्था है। तो और पैटर्निटी लीव में थे, फिर लीव लेना पड़ा, तो भाई ये सब परेशानी आएगा, दोस्त का शादी था जाना जरूरी था, तो अलग अलग लोबी में छुट्टी का भी अलग अलग परेशानी है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी का मूवमेंट रहता है उस हिसाब से छुट्टी दिया जाता है, या तो छुट्टी देना एक परेशानी वाला बात है। तो बहुत सारे आपका कोई ड्राइवर दोस्त होंगे लोको पायलट होंगे तो बोलते होंगे कि भाई छुट्टी मिलते ही नहीं है, छुट्टी नहीं मिलता, तो भाई क्या करेगा। एक्चुअली फर्स्ट है कि गाड़ी चलाना है, लेकिन नौकरी में आया तो भाई पहले तो वो काम करना, उसके बाद ही सारा। तो
तो भाई अंधेरा काफ़ी हो चुका है और G9 है तो उतना ठंडा लग रहा नहीं था, बट यार अभी बाहर निकला थोड़ा सा ठंड लग रहा है क्योंकि चारों ओर तो जंगल है। आज थोड़ा सा बादल घिरा हुआ है इसलिए ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा है, नहीं तो अभी मेरे को पहनना पड़ता है यार। आज तो हम हाफ भी पहन के आए हैं क्योंकि भाई बच्चे को लेने आए थे तो कपड़ा वैसे ही छोड़ दिए थे, धोए हुए नहीं थे। चलो अब टेंशन ख़त्म हो गया कि फैमिली घर आ गया तो अब सारा काम निपट जाएगा, अपने को आराम करना है। इस जॉब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अगर आप आपकी या तो फैमिली साथ में रहेगा तो आपको एकदम पूरा आराम रहेगा, और दूसरी बात ये है कि अगर आप घर से यदि आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बहुत आराम रहेगा। तो ये पॉजिटिव चीज़ें दो, अगर ये दोनों में से एक चीज़ भी होता है तो हो जाएगा। फैमिली लाने का सेंस ये होता है, एक परेशानी हो जाता है कि अभी ऐसे कि फैमिली हम ले आए, अब मदर फादर का उनको देखने के लिए थोड़ा सा परेशानी है कि मदर फादर रहता तो अगर टाटे में रहते, मेरा होम हेडक्वार्टर था तो वहीं से काम करने में उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन अब फैमिली ले आए हैं तो अब इनको भी छोड़ के जाना तो वही मतलब कम आना जाना हो पाएगा। ऐसा क्या रहता है कि ज़्यादा आना जाना हो पाता है कि सप्ताह में हम एक बार दो बार ज़रूर चल जाते हैं। अभी क्या है कि बच्ची छोटी है, वही करेंगे और क्या, मम्मी पापा को यहाँ बुला लेंगे, और माँ बाप का एक कंडीशन रहता है कि वो अपना घर छोड़ के कभी नहीं आते। शायद हम भी माँ बाप बनेंगे, हम लोग भी माँ बाप बनेंगे, बूढ़ा बूढ़ी होंगे तो हम लोग भी अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे, कोई अपने घर छोड़ के नहीं आना चाहता। तो यही सब भाई, ऐसा कंडीशन सब लड़का का जीवन में आते ही रहता है, और क्या करेगा, नौकरी तो करना है क्योंकि नौकरी है तो सब है। तो भाई डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं पर ड्यूटी अभी ऑफ नहीं हुआ क्योंकि बेड मिला नहीं है। बेड क्यों ऑक्यूपाइड हो गया है क्योंकि यहाँ पर कम बेड है और सारा स्टाफ सोए रहता है, रात भी हो रहा है, ज़्यादा रात नहीं हो रहा लेकिन ड्यूटी से पहले सब सोने का कोशिश करता है। और यहाँ यार पानी का बहुत अच्छा मिला है इसीलिए पूरा आपको देख रहे दिखता है कि नहीं पता नहीं, रात में दिख रहा नहीं, ये पाइप पूरा बिछा हुआ है, बहुत दूर से पानी लाया गया है, मतलब रनिंग रूम से काफ़ी दूर में बोरिंग किया है, और पानी भी हल्का मतलब क्या बोलेंगे, नमकीन और कड़वाहट मैंने अजीब है क्योंकि भाई कोयला है सब तरफ तो पानी भी थोड़ा सा अजीब हो। तो भाई अभी खाना वाना खाना है, घर से हम तो लाए हैं, रनिंग रूम का खाना खाना नहीं है। अब बीवी आ गया तो बीवी के हाथ का खाना खाना है, बीवी बोली कि पेट बड़ी बढ़ गया, पेट को घटाइए। सच्ची में यार शादी का कोट पहने हम, अभी जो फ्रेंड का शादी था बटन ही नहीं लग रहा यार, एक साल में बताइए बटन नहीं लग रहा। चलिए भाई कल मिलते हैं नए दिन के साथ, देखने के लिए ब्लॉग, थैंक यू।